नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार की तरफ से सुनील कुमार एक और जनहित के मुद्दे को लेकर आज आपके सामने पेश हूँ। एक ऐसा मुद्दा जिसे मैंने अपनी नौकरी की शुरुआत से ही सबसे अधिक जिस पर लिखना शुरू किया था, ट्रैफिक का मुद्दा। मैं बहुत जूनियर रिपोर्टर था और इंजीनियरिंग कॉलेज के एक प्रोफेसर जो ट्रैफिक साइंस पढ़ाते थे, ट्रैफिक इंजीनियरिंग पढ़ाते थे, उनके साथ घूम घूम कर मैं शहर के एक एक चौराहे को सुधारने के लिए रिपोर्टिंग करता था। उसका पता नहीं कितना असर उस वक्त सड़कों पर हुआ या नहीं, ट्रैफिक सुधरा या नहीं, लेकिन अपनी जिम्मेदारी मानते हुए मैंने वो कोशिश जारी रखी और आज भी मैं अनुपातहीन तरीके से अधिक लिखता हूँ, बोलता हूँ ट्रैफिक के बारे में। आज हालत यह है कि हिंदुस्तान में हर बरस हजारों लोग ऐसे मारे जाते हैं सड़क हादसों में जिनकी गलती नहीं रहती, गलती किसी और की रहती है, लेकिन बेकसूर मारे जाते हैं क्योंकि सड़कें दोनों के चलने के लिए एक हैं। एक कोई गलती करे और दूसरा उसको भरे, ये बहुत आम बात है, सड़क हादसों में तो ऐसा होते ही रहता है। अब अगर हम देखें तो सरकार ने कानून बड़े कड़े बना रखे हैं, सड़क सुरक्षा के कानून केंद्र सरकार के बनाए हुए हैं, मोटर व्हीकल एक्ट के तहत हर चीज़ पर, हर गलती पर बड़े बड़े जुर्माने का इंतजाम है, लेकिन देश के कुछ ही राज्य हैं जो इसको गंभीरता से लागू करते हैं। उन राज्यों में भी कुछ शहर हैं जहां पर इन नियमों को लागू किया जाता है, बाकी शहरों में लागू नहीं किया जाता। महाराष्ट्र में किसी एक शहर में हेलमेट लागू है, किसी दूसरे शहर में नहीं है। दिल्ली में हेलमेट अनिवार्य है लेकिन उत्तर प्रदेश के बहुत से शहरों में नहीं है। ये हाल सब जगह है। जिस छत्तीसगढ़ से मैं बोल रहा हूँ, इस छत्तीसगढ़ में किसी किसी ज़िले में कोई कोई एसपी अपनी अतिरिक्त दिलचस्पी से इस तरह की चीज़ें लागू करवाते हैं, हेलमेट लागू करवाते हैं, लेकिन बाकी प्रदेश में उसका कोई असर नहीं होता, बाकी अफसर बाकी ज़िले उसको लागू नहीं करवाते। बाकी ज़िलों में दुपहिए पे तीन सवारी जाती है, लोग मोबाइल फ़ोन को हाथ से पकड़कर दुपहिया चलाते हैं, एक हाथ से हैंडल पकड़े हैं, एक हाथ से मोबाइल फ़ोन पकड़े हैं, लोग बिना सीट बेल्ट के कार चलाते हैं, हर तरह से नियमों को तोड़ा जाता है और बहुत कम ऐसी जगह हैं जहां पे इन नियमों को लागू करने की कोशिश की जाती हो। अब सवाल यह उठता है कि जो लोग एक हाथ से दुपहिया चला रहे हैं, एक हाथ से मोबाइल फ़ोन पर बात कर रहे हैं, उनकी पूरी की पूरी एकाग्रता उस मोबाइल फ़ोन पर है, सड़क उनको दिख भी नहीं रही है, उससे और लोगों को जितना खतरा खड़ा हो रहा है, क्या किसी भी प्रदेश की पुलिस को, वहाँ की सरकार को, वहाँ के प्रशासन को ऐसी छूट देने का कोई हक है? क्या किसी को भी ये अधिकार है कि इन लोगों को बिना जुर्माने जाने दे? क्योंकि ऐसे ही लोग हैं जो अलग अलग गाड़ियों पे रहते हैं जिनकी वजह से एक्सीडेंट होते हैं, कहीं छोटी गाड़ी की वजह से होता है, कहीं बड़ी गाड़ी की वजह से होता है। तो सवाल यह उठता है कि जहां लोगों की ज़िंदगी जुड़ी हुई है, वहां पर पुलिस को किसी लापरवाही को, किसी जुर्म को अनदेखा करने का क्या हक है? और बार बार ऐसी बातें अखबारों में लिखी जाती हैं, मीडिया में और भी सामने आती हैं, लोग सोशल मीडिया पर भी लिखते हैं, लेकिन इसका असर कुछ नहीं होता। मैं अपनी पूरी ज़िंदगी अखबार नवीसी करते हुए इस इलाके में गुजार रहा हूँ। इन दिनों हाल के बरसों में जितनी लापरवाही मुझको पुलिस की दिखाई पड़ती है, इतनी लापरवाही तो कभी नहीं थी। और ये अफसर बड़े बड़े ज़िलों के अफसर थे जो आज एक ज़िले के पांच ज़िले बन गए हैं और उसमें से एक के अफसर हैं। छोटी छोटी जगह पे बड़े बड़े अफसर भर गए हैं लेकिन कोई कार्रवाई करने का उनका हौसला एकदम ही छोटा हो गया है, वो मिनिएचर साइज का हो गया है, उसमें किसी के ऊपर भी कोई कार्रवाई करने का हौसला नहीं बचा है। नतीजा ये होता है कि सड़कों पे जो लोग नियमों को मानने की कोशिश करते हैं, जो नियम मानकर चलते हैं,
वे लोग भी हादसे के शिकार होते हैं। तो जुर्म करने वालों के जुर्म की कीमत बेगुनाह लोग चुकाते हैं, ये हाल सड़कों का रहता है। तो आज मेरा सवाल लोगों के बीच यही है, अफसरों से तो है ही, उनके बारे में मैं लिखते रहता हूँ, लेकिन अब इस वीडियो के माध्यम से मैं लोगों के सामने ये बात रखना चाहता हूँ कि आप, आपके बच्चे अगर नियम मानकर चल रहे हैं तो सरकार की, पुलिस की ऐसी अनदेखी को आप कब तक बर्दाश्त करेंगे? क्यों नहीं सड़कों पे ऐसे लोगों को घेर कर रोका जाए जो एक हाथ से स्कूटर चला रहे हैं, एक हाथ से मोबाइल फोन पकड़कर बात कर रहे हैं? क्यों लोगों का एक जत्था ऐसे लोगों को रोक नहीं सकता, क्योंकि ये जनता की जिंदगी बचाने का मुद्दा है। मेरी जो समझ है कानून की, वो ये कहती है कि ऐसा रोकने पर पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर सकती। आप कोई कानून नहीं तोड़ते अगर आप लोगों की जिंदगी बचाने के लिए ऐसी कार्रवाई करते हैं। जनता के बीच के लोगों को उठकर खड़ा होना पड़ेगा, जत्थे बनाकर ऐसे लोगों को रोकना पड़ेगा, घेरना पड़ेगा, उनके वीडियो बनाने पड़ेंगे और पुलिस को मजबूर करना पड़ेगा कि वो ऐसे लोगों पर कार्रवाई करे। अगर हम ऐसा नहीं कर रहे हैं तो कल हमारे बच्चे खतरे में है, उनकी ज़िंदगी खतरे में है। और बात सिर्फ दुपहिया की नहीं है, सड़कों के किनारे बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़े बड़े ट्रक जिनमें लोहा बाहर निकला है, पाइप बाहर निकला हुआ है, बिना ब्रेक लाइट, बिना बैक लाइट के वो कहीं भी सड़कों पर खड़े रहते हैं, और मोटरसाइकिलें उनमें घुसती हैं और लोग मौके पे ही मारे जाते हैं। क्यों लोग ऐसी गाड़ियों को घेर कर पुलिस को मजबूर नहीं कर सकते कि वो वहाँ पर आए और उनका चालान करे? क्यों कारोबारी गाड़ियों को यह हक होना चाहिए कि वो सड़कों को घेर कर इस तरह से खड़ी रहें, बिना लाइट के चलें, बिना लाइसेंस वाले, बिना ड्राइविंग लाइसेंस वाले ड्राइवरों के हाथों चलें? इन सब बातों पे लोगों को सामने आना चाहिए और आकर मौके पर घेराबंदी करके रोकना चाहिए और देखना चाहिए कि पुलिस किसके साथ है, जुर्म करने वालों के साथ है या जुर्म रोकने वालों के साथ है। तो आज आपके सामने मेरी बस यही जनहित याचिका है। इसके बारे में सोचिए कि क्या किया जाना चाहिए, अपने को और अपने परिवार को जिंदा रखने के लिए क्या करना ज़रूरी है। सिर्फ पुलिस के भरोसे रहने से कुछ हासिल नहीं हो रहा। सरकार, प्रशासन और पुलिस, इनमें हौसले की कमी दिखती है कि ये सड़कों पर लोगों पर कार्रवाई करें। और उसके पीछे कौन सी वजह हो सकती है उस पर मैं अभी जाना नहीं चाहता हूँ, लेकिन अधिकतर लोग उसको भी समझते हैं। तो सोचिए इस बारे में क्या किया जाना चाहिए। कल हम फिर मिलेंगे किसी और एक मुद्दे को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।